दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखिए बायोलॉजी के नीट 2023 के सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोटनी का है। देखिए क्या है बोटनी में। इन अ टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। दिस फिनोमेना में भी कॉल्ड एज। कह रहे हैं कि अगर टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें मेसोफिल सेल अगर पत्ती के लिए जाएँ और तो वो कल्चर के बाद एक ग्रुप बना देते हैं सेलों का, उसे कैलस कहते हैं। तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है? तो ये फिनोमेना कहलाती है डी डिफरेंशिएशन। द डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आपका एक 101 हो चुका है। दूसरा सवाल पे शुरू करते हैं। इन द इक्वेशन GPP, ये होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। अगर GPP में से रेस्पिरेशन माइनस हो जाता तो बचता NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर इसमें क्या है? तो आर जो होता है वो रेस्पिरेटरी लॉस होता है। ए इज द राइट आंसर। रेस्पिरेटरी लॉस इसका आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए 103 पे आ जाते हैं। 103 में देखिए दो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 में है द फोर्स जनरेटेड बाई ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। स्टेटमेंट 2 क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर ट्रांसपिरेशन होता है और उसका पुल लगता है तो जाइलम क्या करेगा, 130 मीटर ले जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2, ट्रांसपिरेशन कूल लीव सरफेस समटाइम, ये भी बात सही है। 10 to 15 degrees बाई ऑपरेटिंग कूलिंग। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे तो उस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। सी, ठीक है। 103 हो गया। आगे बढ़ते हैं 104 पे। ठीक है, 104 पे बढ़ते हैं। तो 104 में क्या है? इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉयड। अब एंजियोस्पर्म जो चैप्टर नंबर 2 था, द हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक्स सिक्वेंशियली आर। तो हैप्लॉयड होता है सिनर्जिड, याद रखिएगा। और जायगोट होता है डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसके हिसाब से ये ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 105 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। एंडार्च एंड एक्सार्च आर द टू टर्म ऑफ एंड यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि ये कह रहे हैं जो एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन होती है वो सेकेंडरी जाइलम को नहीं इंडिकेट करती, वो प्राइमरी जाइलम को इंडिकेट करती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ये इनकरेक्ट हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या? एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, ये ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये इज द राइट। हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। एक कितने ATP कितने NADPH चाहिए 1 molecule ऑफ ग्लूकोज? तो उस हिसाब से आपको चाहिए 18 ATP और 12 NADPH, है ना। ये डी इज द राइट आंसर, इसका बी हो गया। 107 स्प्रे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुबिलाइन कॉनिफर हेल्प इन हास्टनिंग द मेच्योरिटी पीरियड द लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। किसका छिड़काव करें, किस हार्मोन का? तो याद रखिएगा जुबिलाइन का अगर छिड़काव करते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। अमंग यूकेरियोट रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस इन एस फेस में होता है, याद रखिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो एस फेस में याद रखिएगा जो है DNA रेप्लिकेशन होता है। 109 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट। डेट्राइटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डेट्राइटिवोर्स ही करते हैं। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेड बाई सम माइक्रोब मिनरलाइजेशन, ये भी ठीक है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेट बाई प्रोसेस लीचिंग, ये भी ठीक है। ABC इज द राइट, बाकी दो रॉन्ग है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग, कौन सी हेट्रोस्पोरी करते हैं? तो इसमें सिलेजिनेला और सल्वेनिया करते हैं, ये भी डी है, इसका सी है। ज़्यादातर यहाँ पर डी ज़्यादा है। तो दीज आर 1 to 10, 1 से 10 सवाल आपके हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।